हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये मेरा अनार का पौधा है और उस पर देखिए ये जो नई कोंपले आ रही हैं उसके ऊपर बग्स का, कीड़ों का, ग्रीन कलर के ये बग्स हैं जो इस पत्ते के ऊपर जो हैं वो आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। और ये नई कोंपलों पे ही आते हैं, ये देखिए रूट्स में हैं बर्ड्स, तो उस पर भी ये जो हैं आए हुए हैं और ये इनको, नई जो पत्ते होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको ये ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे हैं, देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा क्लोज़अप में, थोड़ा लाइट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं देखिए, ये देखिए इनके पत्तों के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि मेरे इस पे पौधे पे अब कलियां भी आ चुकी हैं, ये देखिए, अरे ये देखिए ये कलियां हैं, ये देखिए ये शूट्स कलियां हैं ये। तो ये जो बग है ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए बिना कोई केमिकल डाले, तो उसके ऊपर हम आज वर्कआउट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इलायची का पौधा है, मैं इसको आज रीपॉटिंग करने लगा था तो मैंने देखा कि इसके अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल अंदर कुछ कीड़े हैं और इसकी ये बैक साइड पे भी, ये देखिए ये कीड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा लाइट में, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे ये कीड़े हैं। तो फ्रेंड्स, अनार पे भी हैं और इस पे भी हैं, दोनों पे अलग तरह के हैं, तो इनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि कभी भी हम अपने गार्डन में देखें कि किसी भी तरह के बग्स या कीड़े हैं तो पैनिक मत कीजिए कि कीड़े आ गए और अब पौधे को खा जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 80% जो बग्स हैं वो हम लोगों की हेल्प के लिए हैं, वो पौधे की सुरक्षा करते हैं और जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनको खाते हैं। तो थोड़ा सा ये देखना, ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि ये क्या करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने मेरे इस पत्ते को खा लिया, ये मेरा पत्ता है, इसको इन्होंने खाया है और देखिए ये इस पत्ते को इन्होंने खाया है। तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो हैं ये मुझे नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो अनार पे ग्रीन कलर के थे, इस पे ये येलो ब्लैक कलर के हैं, तो मुझे इनका ट्रीटमेंट करना है। अभी मैं आपको ढूंढता हूँ, मेरे नींबू के पौधे पर भी कुछ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ते को, मेरा नींबू का पत्ता, इसको देखिए खाया गया है। और इसी तरीके से ये देखिए, ये देखिए, लेकिन ये जो पत्ता मेरा खा रहा है वो है ये बग, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो कीड़ा है। लेकिन इस कीड़े को मैं नहीं मारूंगा, और ऐसे 3-4 हैं और इनको मैं अपने पत्ते खाने दूंगा। आप कहेंगे क्यों इनको क्यों पत्ते खाने दिए जाएं। फ्रेंड्स, ये जो है कीड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये असल में तितली बनेगी बड़ा होकर, तो मैं इसको पत्ते खाने दूंगा और तितली बनने दूंगा। तितली हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, ये बहुत जल्दी फूलों से इधर उधर जो है जाती है, तो उससे फल जल्दी बनते हैं और फूल जल्दी खिलते हैं, तो ये हेल्पफुल है।
तो मैं वही कह रहा था फ्रेंड्स कि हम लोगों को पैनिक नहीं होना है देख कर कि कीड़े हैं और पत्ते को खा रहे हैं। तो देखिए इनने खाया है तो खाने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तितली बनेगा। तो लेकिन बाकी बाकी जो हैं इनका इलाज ज़रूरी है, तो उनके इलाज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। हाँ, उनको करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास है नीम ऑयल, ठीक है, अनफिल्टर्ड है, ये बहुत सस्ता सा मिल जाता है, 50 रुपीज़, 50-1 रुपये का ये जो है ये बॉटल मिल जाती है। तो ये नीम ऑयल मैं यूज़ करूँगा, ये पानी की स्प्रे बॉटल है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है। अनार के पौधे पे है और ये इलायची के पौधे के ऊपर है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। कई जगह मैंने देखा है कि लोग इसमें डिटर्जेंट भी मिला देते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होता है पानी में, लेकिन मैं इसमें डिटर्जेंट नहीं मिलाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो पौधों के लिए ठीक नहीं होते, तो मैं वैसा नहीं करूंगा। हम थोड़ा सा इसमें जो ये नीम ऑयल है ये पानी के अंदर मिक्स करूंगा, ये देखिए, ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने मिक्स कर दिया है, और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इसको मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ठीक नहीं है हमारे पौधे के लिए, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होते हैं। मैं इसको अच्छी तरह करूँगा शेक, देखिए काफ़ी हद तक जो है वो मिक्स हो गया है, और अब इसका स्प्रे जो है मैं इन बग्स पे करूँगा। तो चलिए फ्रेंड इस तरफ चलते हैं, ये पड़ा है हमारा, और इस पे जो है ये स्प्रे, अब हम इसको ये हम स्प्रे अच्छी तरह अंदर तक इसको कर देते हैं। लीजिए, बहुत अच्छी तरह हमने हर पत्ते पे इसको कर दिया है, तने पे भी, ताकि दूसरे बर्ड उस पर भी ये असर ना कर सके। ये कम हो गया, और दूसरा अब करना है अनार के पौधे। जो लीजिए फ्रेंड, ये अनार का पौधा है, इस पर भी अच्छी तरह मैं स्प्रे कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ नीचे नीचे है, तो इस पर अच्छी तरह मैं इसको स्प्रे कर देते हैं। स्मेल आ रही है तेल की, तो मैं होप करता हूँ कि ये असर करेगा, और इन सबको भगाकर मेरे पौधे को बिना बक्स के कर देगा। और अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज पे ही था और कहीं नहीं है, तो मैं कहीं और इसको स्प्रे को नहीं कर रहा, सिर्फ इसी पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी ट्रीट करना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल किया, और इसको कोशिश की है कि ये हमारा पौधा ठीक हो जाए। मैं केमिकल यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि केमिकल से होता ये है कि हर तरह के जो कीड़े होते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए भी हैं वो भी मारे जाते हैं। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और आपके प्लांट्स में अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप उसको ट्रीट कर लेंगे। होममेड है और इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं ये, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लिंक में रहें, और कोई भी वीडियो जो मैं डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हम लोग आपस में जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, उसके बाद बाय बाय, सी यू।